नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है आपका दिल्ली वाला एजुकेशनल चैनल में। स्वागत के बाद आज हम बात करते हैं महान क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ दास का। जैसा आप जानते हैं, यतीन्द्रनाथ दास का जन्म कोलकाता में हुआ था, अभी का कोलकाता उस टाइम का कलकत्ता। यतीन्द्रनाथ दास को जतेंद्रनाथ दास भी हम बुलाते हैं। कारण क्या, पूर्वी यूपी, बिहार और कोलकाता में, मतलब वेस्ट बंगाल में, यह को जा पढ़ा जाता है। जैसे यमुना को जमुना बोलते हैं, योगेंद्र को जोगेंद्र बोलते हैं, इसीलिए यतीन्द्रनाथ दास का फेमस नाम जतीन्द्रनाथ दास था। 1904 में 27 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि इनसे क्या क्या जुड़ी सारी बातें हैं, उसको रिलेट करके जब आप जानेंगे, देखेंगे, आज का सेशन बहुत मजेदार हो जाएगा। 1904 के बाद असहयोग आंदोलन में सबसे पहली बार इन्होंने हिस्सा लिया। बात आती है असहयोग आंदोलन, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, शुरू किसने किया, गांधी जी ने, कब, 1920 में। इसका मतलब अब देखो कैसे याद रखेंगे सिस्टम को। आप कहते हो मैं उनका डेट ऑफ बर्थ क्यों याद रखूं, 1904 में जन्म हुआ, 16 साल इसमें जोड़ते हैं, मतलब 1920 हो जाता है। तो असहयोग आंदोलन 1920 शुरू हुआ, मतलब मात्र 16 साल की उम्र में जतीन्द्रनाथ दास ने भाग लिया, हिस्सा लिया क्रांतिकारी में। अब उसके बाद जैसे ही 1920 की मैंने चर्चा की, 1920 में ये 4 दिन के लिए जेल रहे थे। कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए। आपसे क्वेश्चन, अब एग्जामिनर आजकल भांग पी के क्वेश्चन बनाता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यतीन्द्रनाथ दास पहली बार जेल कब गए थे, नीचे 4 ऑप्शन बनाएगा, उसमें असहयोग आंदोलन भी होगा। आपको लगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 5 सितंबर 1920। इसके बाद बात करते हैं सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ, सबसे पहले इनका कॉन्टैक्ट हुआ ये अपने जतीन्द्रनाथ दास का। जतीन्द्रनाथ दास ने जब इनसे मिला अपना सचिंद्रनाथ सान्याल से, सत्येंद्रनाथ सान्याल ने इनको बोला कि आप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर लो, इसके मेंबर बन जाओ। ये तैयार हो गए, क्रांतिकारी विचार तो था इनके अंदर। तैयार होने के बाद अब हमें तो इसके लॉजिकल बातों को ध्यान देना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात आई है, ये 1928 में बना है। 1928 में बनाने वाले 3 लोग थे, चंद्रशेखर आजाद का नाम आप जानते हैं, सुखदेव थापड़ और सत्येंद्रनाथ सान्याल तो रहेंगे क्योंकि इन्हीं ने कॉन्टेक्ट किया इनके साथ। 3 लोग थे, बना कहाँ था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, लेकिन अब फिरोज शाह कोटला नाम नहीं है, इसका नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम। अब देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ। अरुण जेटली स्टेडियम में ये बना था, कौन सा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये नाम है इसका, हिंदी कुछ भी नहीं होता, यही सेम नाम रहेगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी, अरुण जेटली स्टेडियम आपको मैंने बता दिया। इसके बाद अब मैं आपको बताऊं, लाहौर के जेल में जब भगत सिंह जेल में थे, तो भगत सिंह के आह्वान पर सच ये अपना यतीन्द्रनाथ दास या फिर जतीन्द्रनाथ दास, भगत सिंह के आह्वान पे इन्होंने भूख हड़ताल किया और 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद 1929 में ये देश के लिए शहीद हो गए। एक बार आप ध्यान कीजिएगा कि जब आप 16 साल के थे तब आप क्या कर रहे थे, आपको मजा आएगा इन सब चीज़ों को जब आप सोचेंगे, कनेक्ट करेंगे, पढ़ेंगे, तब देखिए कैसे कॉम्पिटिशन को आप क्लियर कर पाते हैं। अब आज एक इंडेक्स और एक्स्ट्रा इंडेक्स हमने लिया है, इसके बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा इंडेक्स में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, सबसे पहले हम जानते हैं इसको जारी कौन करता है। इसको जारी करने वाला UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और साथ में OPHI, मतलब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर शुरू किया अपना ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी, उसके बाद आप बताइए बहुआयामी गरीबी सूचकांक। सबसे पहले आपसे एक पहला क्वेश्चन, 2010 में ये शुरू हुआ, बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शुरू करने वाला ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने बताया। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इसमें रिपोर्ट्स में आया क्या। इस रिपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा इस बात पर गौर हमें देना है कि इसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं, ये रिपोर्ट में खुल के सामने आया। उसके बाद सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है, लेकिन करंट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सबसे फास्टेस्ट रिकवरी बिहार स्टेट का हो रहा है, मतलब गरीबी सबसे फास्ट घट रहा है। करंट सिनारियो में 34% वहाँ पर गरीबी रेखा, मतलब 34% लोग नीचे हैं पॉवर्टी लाइन से, गरीबी रेखा से नीचे, और पिछले रिपोर्ट में ये 51% था लगभग। मैंने बात किया आपसे UNDP जिसने इसको बनाया, तो UNDP के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। UNDP के हेड अकिम स्टेनर हैं, इसका हेड न्यूयॉर्क में है, और इसका फाउंडेशन जो हुआ वो 1965 में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। और थोड़ा लेट वीडियो इसलिए हो जा रहा है कि अभी मम्मी गाँव गई है, तो खाना वगैरह बनाना पड़ता है, तो इसके लिए
अब ऐसे ही करते करते हम लोग अपना फिर टाइम से आ जाएंगे, जब मेरी मम्मी गाँव से आ जाएगी वापस। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।